समाजवादी पार्टी में शिवपाल और अखिलेश की जंग आखिरी राउंड में जाती नजर आ रही है और ऐसे में पूरी नजरें टिक गई है पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह पर, क्योंकि टिकट के झगड़े में अब चाबी उन्हीं के पास है। चुनाव आयोग को भेजे जाने वाले फॉर्म ए पर उन्हीं के दस्तखत हैं होंगे और मुलायम फॉर्म ए पर जिसका नाम प्रमाणित करेंगे पार्टी उन्हीं अधिकृत उम्मीदवारों की सूची चुनाव आयोग को भेजेगी। यानी क्या तय किया जाता है मुलायम सिंह की ओर से, ये बहुत अहम हो जाता है। 403 उम्मीदवार जिनकी लिस्ट तैयार की गई है, लेकिन इस लिस्ट को लेकर ही एक बड़ा विवाद शिवपाल और अखिलेश में देखने को मिल रहा है और अब क्या तय करते हैं मुलायम सिंह यादव, ये बहुत अहम। समाजवादी पार्टी में टिकटों की जंग के बीच इस बात का आकलन किया जा रहा है कि शिवपाल और अखिलेश के बीच में कौन सा पलड़ा ज्यादा भारी है। इन सब के बीच ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर चुनाव आयोग में स्थिति बनती क्या है। चुनाव आयोग में पार्टी का घोषित उम्मीदवार, पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार कौन होगा, इस बात को प्रमाणित करने के लिए दो तरह के फॉर्म जमा कराने पड़ते हैं। पहला है फॉर्म ए और दूसरा है फॉर्म बी। फॉर्म ए में पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ये तय करता है कि फला व्यक्ति हमारी पार्टी के अधिकृत घोषित उम्मीदवारों की सूची को जारी करेगा, और फॉर्म बी में वो अधिकृत व्यक्ति जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नामित किया है वो व्यक्ति पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों की सूची चुनाव आयोग को देता है और वही व्यक्ति, वही उम्मीदवार पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार होता है, वही पार्टी के झंडे पर, पार्टी के बैनर पर, पार्टी के चुनाव निशान पर चुनाव लड़ सकता है। और इस वक्त इस परिस्थिति को अगर हम देखें तो फॉर्म ए पर दस्तखत करने का अधिकार मुलायम सिंह यादव के पास है, यानी अब भी पूरे खेल की चाबी मुलायम सिंह के हाथों में है। आम तौर पर यह देखा गया है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को ही इस बात के लिए अधिकृत करता है कि वो पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों की सूची को इलेक्शन कमीशन में जमा कराए। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो फिलहाल शिवपाल यादव के पास वो अधिकार है। वैसे जब तक फॉर्म ए पर मुलायम सिंह यादव के दस्तखत नहीं होते हैं तब तक ये तय नहीं होगा कि पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों की सूची चुनाव आयोग को देने के लिए कौन सा व्यक्ति अधिकृत है। तो कुल मिलाकर के इस पूरे संकट के बीच में अगर हम देखें तो चाबी अब भी मुलायम सिंह यादव के पास ही है, और यही वजह है कि दोनों पक्ष मुलायम सिंह यादव को किसी न किसी तरह से मनाना चाहते हैं ताकि वो अधिकार कि पार्टी का घोषित उम्मीदवार कौन होगा, अधिकृत उम्मीदवार कौन होगा, वो अधिकार उनके पास आ जाए। कैमरा पर्सन दिवाकर के साथ मैं विवेक तिवारी, इंडिया 24/7 लखनऊ। और विवेक तिवारी हमारे साथ है। विवेक, ये एक तरीके से कहें 2-3 महीने पहले से ही लगता था कि जब टिकट बंटवारा होगा तो कैसे एक बैलेंस बिठाया जाएगा, अखिलेश और शिवपाल के जो चाहते हैं उनको लिस्ट में कैसे एक साथ जगह दी जाएगी, ये बहुत अहम सवाल 2-3 महीने पहले से ही शुरू हो चुका था। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि सब कुछ टिका हुआ है मुलायम सिंह यादव पर, किस तरह से वो फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है ताकि चुनाव है उसका इम्पैक्ट उस पर ना जाए और एक रास्ता भी निकल आए, क्या कुछ अब किया जा रहा है? देखिए, मैं पहले पूरी तस्वीर बता दूं कि स्थिति क्या है। अखिलेश यादव ने 403 उम्मीदवारों की सूची मुलायम सिंह यादव को भेजी है जो उनके हिसाब से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए ज्यादा योग्य होंगे। दूसरी तरफ शिवपाल यादव ने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मुलायम सिंह यादव की कंसल्टेशन से 175 उम्मीदवारों को घोषित किया है और जो बाकी संख्या बच रही है वो पार्टी के सिटिंग एमएलए हैं, यानी एक तरह से उनकी भी 403 उम्मीदवारों की सूची मुलायम सिंह यादव के पास में पड़ी हुई है। दोनों सूची के बीच में अगर हम अंतर देखने जाएंगे तो वो अंतर कोई बहुत ज्यादा नहीं है, वो बमुश्किल जो सूत्र बता रहे हैं 25-30 सीटों का अंतर है, और वो अंतर इस बात के लिए है कि अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि शिवपाल के समर्थकों की संख्या विधानसभा में कम हो और शिवपाल चाहते हैं कि अखिलेश के समर्थक विधानसभा तक ना पहुंचे। देखिए, चुनाव के बाद स्थिति क्या होगी ये अभी कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना तो है कि पार्टी के बहुत से विधायक जीत करके आएंगे। चुनाव के बाद उन विधायकों पर नियंत्रण किसका होगा ये सबसे बड़ा सवाल है, और इसी अधिकार को लेकर के सभी लोग अपनी अपनी तरह से दबाव बना रहे हैं कि उनके समर्थक प्रत्याशियों को ज्यादा से ज्यादा टिकट मिले। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कुछ लोग हैं, हमारे साथ कुतुबुद्दीन अंसारी साहब है जो बिजनौर से आए हैं, ये भी टिकटार्थी, हालांकि बिजनौर की जिस सीट से लड़ना चाहते वहां प्रत्याशी पहले से घोषित है, जो घोषित प्रत्याशी उससे आपको तकलीफ क्या है? नहीं, तकलीफ तो कुछ नहीं है, अब ये है कि अब हक तो हमारा बनना है ना वहाँ पे, क्योंकि बिरादरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो अंसारी बिरादरी गलत टिकट दे दिया गया है। हाँ, टिकट गलत किसने दिया था वो टिकट? अब ये तो यहीं से दिया गया है, जिस ने भी दिया होगा। बहरहाल मतलब ये है कि जो जिनको मिला है वो किस खेमे के हैं? नहीं, खेमे का तो मतलब हमारा कोई मतलब ही नहीं है। आप किस खेमे से हैं? नहीं, हम तो किसी खेमे से हैं नहीं, हम तो सबके साथ में हैं।
क्या लग रहा है ये पूरा सिनेरियो आप देख रहे हैं? एक लिस्ट अखिलेश यादव ने दी है नेताजी को, एक शिवपाल यादव प्रदेश अध्यक्ष है उनकी भी अपनी उम्मीदवार है, तो दोनों ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, टिकटार्थी हैं, जो भी मामला है वो सब नेताजी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो सारा सब मामला सुलझा देंगे। कोई भी अगर मामला है तो अखिलेश जी भी उस पर राजी हो जाएंगे, शिवपाल जी भी उस पर राजी। तो ये देखिए पार्टी के जो लोग हैं वो अब भी इस बात को मानते हैं और ये बात बिल्कुल सही है कि अभी जो पूरे खेल की चाबी है वो नेताजी के पास में है और वही अंतिम में सारी चीजें तय करेंगे। शिवपाल यादव की तरफ से ये बार बार दावा किया गया है, जब भी इन्होंने टिकटों में बदलाव किया है या नए प्रत्याशी घोषित किए हैं, उनका हमेशा से ये कहना रहा है कि ये सारी चीजें मुलायम सिंह यादव के कंसल्टेशन के बाद, उनकी सहमति के बाद ही जारी की जा रही है। तो अब अखिलेश यादव ने जिस तरह से दबाव बनाया है 403 उम्मीदवारों की अपनी सूची भेजकर, वैसे मैं फिर बता दूं कि दोनों सूचियों में 25-30 से ज्यादा उम्मीदवारों का अंतर नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये अंतर बड़ा अंतर है क्योंकि 25-30 विधायकों में से अगर जो जीत के आएंगे उससे बहुत सीन बदल जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अभी तक लौटूंगी और क्या एक तरह से फिर से लगने लगा है कि वर्चस्व की लड़ाई फिर से हो गई है, दबाव बनाने की फिर से कोशिश हो रही है। और अगर मानिए चाहे अखिलेश समर्थित हो या फिर शिवपाल समर्थित, अगर इनमें से किसी को टिकट नहीं मिलता है तो फिर उस असंतोष को कैसे शांत किया जाएगा? तमाम सवाल यहां पर उठ खड़े हुए हैं। आपसे अपडेट हम आगे भी लेते रहेंगे, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यूपी में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी क्या चुनाव से ठीक पहले टूट जाएगी, ये सवाल उठ रहे हैं पार्टी में मचे नए घमासान से। जी हां, पार्टी में अब टिकट बंटवारे को लेकर भीषण घमासान छिड़ गया है। इस दंगल में अखिलेश यादव ने अपना आखिरी दांव चल दिया है। तो अखिलेश ने मुलायम सिंह यादव को चिट्ठी लिखकर उम्मीदवारों के चयन पर सख्त नाराजगी जताई है। ना सिर्फ नाराजगी जताई बल्कि पूरे 403 उम्मीदवारों की लिस्ट भी मुलायम सिंह यादव को सौंपी। ये लिस्ट तब और चौंकाती है जब पार्टी ने 175 सीटों पर पहले ही कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया। बताया जा रहा है कि इन सीटों पर उम्मीदवार शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव ने मिलकर तय की है। अब अखिलेश ने इसे चैलेंज किया। अखिलेश की लिस्ट में शिवपाल की लिस्ट के कई नाम गायब हैं। अमन मणि, अतीक अहमद और अंसारी बंधुओं समेत तमाम नाम अखिलेश की लिस्ट में नहीं है जिन्हें शिवपाल टिकट दे चुके हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी का एक बहुत बड़ा धड़ा अखिलेश यादव के साथ है। आने वाले तीन चार दिनों के अंदर पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से अखिलेश के समर्थन में बयानबाजी तेज हो सकती है। तो अब सब कुछ तय किया जाएगा मुलायम सिंह यादव की ओर से, वो क्या डिसाइड करते हैं सब कुछ इसी पर टिकता है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर है, अखिलेश यादव फिर रथ यात्रा पर निकलेंगे। परसों से बुंदेलखंड की यात्रा पर निकलेंगे अखिलेश यादव और अपनी इस लिस्ट में मुलायम सिंह यादव को सौंपने के बाद अखिलेश अब प्रचार अभियान पर निकलेंगे। फिर से रथ यात्रा शुरू की जाएगी। अब अखिलेश यादव कल से फिर से रथ यात्रा के जरिए अब बुंदेलखंड पर उनकी नजर। इस बीच जिस तरह से उन्होंने चिट्ठी लिखी है, अवनीश विद्यार्थी हमारे साथ हैं। अवनीश, ये माना जा रहा था कि बुंदेलखंड से शायद चुनाव लड़े अखिलेश यादव और अब जिस तरह से वो रथ लेकर निकलने वाले हैं, क्या समझे? देखिए बात सही है कि बुंदेलखंड से उनके चुनाव लड़ने को लेकर के अटकलें काफी तेज है। वहां संगठन ने भी इस बात की मांग की है कि वो बुंदेलखंड से प्रतिनिधित्व करें पार्टी का, लेकिन फिलहाल जो है सूची सौंपने के बाद अब मुख्यमंत्री जो है अपने रथ यात्रा अभियान पर निकलने जा रहे हैं। जो रथ यात्रा अभियान बीच में कई सारे कारणों की वजह से रुक गया था, एक तरीके से कहें तो स्थगित हो गया था, दोबारा से अखिलेश यादव उस प्रचार अभियान को शुरू करने जा रहे हैं क्योंकि चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कभी भी हो सकता है। उनको इस बात का अंदेशा है कि पार्टी प्रचार अभियान में कहीं ना कहीं पिछड़ रही है, में बुंदेलखंड से एक बार फिर अपनी रथ यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। रूट अभी क्लियर नहीं है लेकिन बुंदेलखंड के कई सारे जिले उसमें कवर करते हुए अखिलेश यादव का रथ अभियान जो है अब पूरे प्रदेश में घूमेगा। चलिए अवनीश, अपडेट आगे लेंगे, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये रथ यात्रा जिसकी शुरुआत 28 दिसंबर से की जाएगी अखिलेश यादव की ओर से, बुंदेलखंड चुना गया है, वही बुंदेलखंड जो सूखे, ओलावृष्टि, इन सब चीजों से जूझता रहा है। तो समाजवादी पार्टी में ताजा विवाद अखिलेश की चिट्ठी के बाद बढ़ा है। आपको बताते हैं कि अखिलेश की चिट्ठी में आखिर है क्या। अखिलेश यादव ने अपने पसंदीदा 403 उम्मीदवारों के नाम भेजे। अखिलेश की लिस्ट में दागी उम्मीदवारों को जगह नहीं दी गई है। अंसारी बंधु, अतीक अहमद और अमन मणि का नाम शामिल नहीं है अखिलेश की टीम में। अखिलेश ने अपनी टीम के युवा सदस्यों का नाम लिस्ट में शामिल किया है और अखिलेश की लिस्ट में कई मंत्रियों के नाम नहीं शामिल है, यानी छुट्टी की गई है अखिलेश की उस लिस्ट से। तो अभी
लिस्ट बनाई कैसे अखिलेश यादव ने, जरा ये भी बताते हैं। अखिलेश यादव ने 403 उम्मीदवारों का नाम सर्वे के बाद तय किया है। अखिलेश ने अपनी एजेंसी से कराए सर्वे के आधार पर लिस्ट तैयार की है। अखिलेश ने क्षेत्र, जातीय, गणित और उम्मीदवारों की ताकत समेत कई पहलुओं पर विचार किया है। मौजूदा विधायकों और मंत्रियों के कामकाज का सर्वे कराया गया है। सर्वे में नेगेटिव रिपोर्ट मिलने पर विधायकों का टिकट काटा गया। तो मौजूदा सियासी हालात को इतिहास के आईने में भी परखने की जरूरत है। ये करीब करीब तय है कि अखिलेश अब अलग राह चलने को तैयार है। अब सवाल ये है कि क्या अखिलेश इंदिरा की राह चलने जा रहे हैं? इंदिरा गांधी ने भी अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ एक पैरेलल स्ट्रक्चर खड़ा किया था और पुराने नेताओं को राष्ट्रपति चुनाव के बहाने चुनौती दी। इंदिरा ने पार्टी के अधिकृत राष्ट्रपति उम्मीदवार के खिलाफ न सिर्फ अलग उम्मीदवार उतारा बल्कि जिताया भी। इसके बाद तो न सिर्फ कांग्रेस में बल्कि देश की सियासत में इंदिरा का सिक्का दशकों तक चला। अखिलेश यादव भी अब पार्टी से इतर एकला चलो की राह पर जाते नजर आ रहे हैं। अखिलेश पार्टी में स्थापित परंपराओं को नकार रहे हैं। अखिलेश मुलायम की पारंपरिक सियासत से अलग रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। मुलायम की पॉलिटिक्स बीजेपी की सियासत को टक्कर देने में नाकाम साबित हो रही है। ऐसे में मुसलमान मुलायम से किनारा करते भी नजर आए हैं। अब अखिलेश खुद को बीजेपी से सीधी टक्कर लेने वाले नेता के तौर पर पेश करना चाह रहे हैं। तो इस मुद्दे पर हमने अपने चैनल के संपादक वासिंद्र मिश्र से भी बातचीत की। देखिए, राजनीति में रिश्ते और इमोशनल कनेक्ट का कोई मायने नहीं रहता है, और राजनीति ऐसी चीज है कि उसमें हर व्यक्ति अपना पॉलिटिकल फ्यूचर, अपना पॉलिटिकल एजेंडा सामने रख के अपनी रणनीति बनाता है और आगे बढ़ता है। अगर हम भारतीय राजनीति के पन्नों पर नजर डालें तो इसके पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ पार्टी के अंदर ही बगावत हुआ है और पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ पार्टी के ही अंदर एक दूसरा ग्रुप उठ खड़ा हुआ और उसने अपना पैरेलल उम्मीदवार घोषित किया और उसको जिता लिया पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ। अगर सीधे तौर पर कहें तो इंदिरा गांधी ने पार्टी के आलाकमान के खिलाफ बगावत करवाई थी पार्टी के अंदर, और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो पार्टी के अधिकृत थे नीलम संजीव रेड्डी, उनके खिलाफ दूसरा उम्मीदवार खड़ा किया और उसको जिता लिया, और बाद में कांग्रेस में विभाजन हुआ और इंदिरा गांधी ने पूरी पार्टी पर कब्जा कर लिया था। तो लगता है कि समाजवादी पार्टी भी धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ रही है, और अखिलेश यादव भारतीय राजनीति की घटनाओं से हमको लगता है कि बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है और उनको लगता है कि ये उपयुक्त मौका है पार्टी पर कब्जा करने का, अपनी साख और अपनी छवि के आधार पर पार्टी पर एकाधिकार बनाए रखने का, और शायद यही कारण है कि उन्होंने पार्टी आलाकमान के खिलाफ हर उस मौके पर अपनी अलग आइडेंटिटी, अलग इमेज बनाने की कोशिश की है और पार्टी आलाकमान के इच्छा के विरुद्ध जाकर भी अपने फैसलों को पार्टी और सरकार पर थोपने की कोशिश की है। तो पिछले कुछ दिनों से एक बार फिर जिस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं और जिस तरह की खतों की ताबत का दौर फिर शुरू हो गया है, उससे लगता है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में अखिलेश यादव पार्टी के अंदर ही एक प्रेशर ग्रुप बनाकर पार्टी आलाकमान को या तो मजबूर करेंगे कि उनके नेतृत्व को, उनकी कार्यशैली को पार्टी में एक्सेप्ट किया जाए, और अगर पार्टी आलाकमान पार्टी का रैंक एंड फाइल उनके उस कार्यशैली के खिलाफ आवाज रखता है तो उसके विरुद्ध वे अपने उस प्रेशर ग्रुप के जरिए एक पैरेलल संगठन खड़ा करने की कोशिश करेंगे और इस चुनाव में अपने उन चाहे तो लोगों को टिकट देकर चुनाव लड़वाएंगे।